जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे और आज की इस क्लास में हम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंडिया ने जितने भी आपके मेडल्स लिए हैं, चाहे वो आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, उनकी पूरी लिस्ट हम देखेंगे और जानेंगे कि भारत के कौन से हमारे खिलाड़ियों ने किस आपके स्पोर्ट्स में इन मेडल्स को हासिल किया है, जिससे कि आपके एग्जाम में जब कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर बता पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और आप सभी जानते हो कि SSB क्रैक एग्जाम, SSB इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम को लेकर आपके आगे बढ़ रहा है, जहां पर आप SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इस कोर्स में आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डे फर्स्ट से लेकर डे फिफ्थ तक की सभी टेस्टिंग प्रोसीजर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमारे ऐप पर होगी, जहां पर आप अपने आप की ट्रेनिंग बेहतर करके आने वाले SSB इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाओगे। तो फटाफट आप लिंक के थ्रू विजिट करिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिए। शुरुआत करते हैं क्लास की। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, जहां पर भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और भारत ने इस मेडल टैली इंडेक्स में 4th पोजीशन आपका हासिल किया था। इस बार के गेम में टोटल 4500 एथलीट 72 कंट्रीज के शामिल थे, जिसमें भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर है और भारत ने टोटल 61 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल्स, 16 सिल्वर और आपके 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था 178 मेडल के साथ, सेकंड पर इंग्लैंड 173, कनाडा थर्ड 92, इंडिया 61 और फिफ्थ पर आपका न्यूजीलैंड 49 मेडल के साथ था। भारत ने इस आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में किस किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया और उन स्पोर्ट्स में हमारे किन एथलीट्स ने भारत को इन सभी मेडल्स दिलाए हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एथलेटिक्स से। एल्डोसे पॉल, जो कि इंडियन नेवी के आपके सोल्जर हैं, इन्होंने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में पहली बार ट्रिपल जंप की कैटेगरी में स्वर्ण पदक भारत के नाम किया। दूसरे अब्दुल्ला अबू बकर हैं, ये भी आपके हमारे आर्म फोर्सेस के जवान हैं और इन्होंने ट्रिपल जंप की कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा अविनाश सैवल, 3000 मीटर के स्टेपल चीज में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। इसके अलावा प्रियंका गोस्वामी, तो 10 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल भारत के नाम किया इन्होंने, जिनको अभी आप देख पा रहे हो। एम श्रीशंकर हैं, लॉन्ग जंप में भारत को सिल्वर मेडल। तेजस्विनी शंकर, मेंस की हाई जंप कैटेगरी में इन्होंने भारत को कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। अनुरानी आपकी जैवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। संदीप कुमार, 10 किलोमीटर की रेस वॉक कैटेगरी में इन्होंने भारत के नाम आपका ब्रॉन्ज मेडल नाम किया। तो इस प्रकार से भारत को एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और आपके 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल हुए हैं, जो कि दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में अपना प्रदर्शन बेहतर कर रहा है। अगले हमारा स्पोर्ट है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के खिलाड़ी पुसरेला वेंकट सिंधु, और इन्होंने तीसरी बार भारत को जो है मेडल दिलाया है। 2014 में ब्रॉन्ज मेडल, 2018 में आपका सिल्वर मेडल और 2022 में इन्होंने वेमेन सिंगल्स बैडमिंटन की कैटेगरी में भारत के नाम स्वर्ण पदक किया। लक्ष्य सेन, मेंस सिंगल्स में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। उसके बाद आपका स्वातिक सराज, रानिका रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स की कैटेगरी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। बढ़ते हैं बैडमिंटन में ही आगे, तो यहां पर आपके किदंबई श्रीनाथ, रानिक रेड्डी, एम बी सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, टेरेसा जॉली, अक्षराशि कश्यप, अश्विनी पोनप्पा, गायत्री गोपीचंद, पीवी सिंधु, इन सभी ने मिक्स टीम के बैडमिंटन कैटेगरी में भारत के नाम आपका सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक किया है। अगला आपका बैडमिंटन में ही टेरेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने वेमेन्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया। किन्नमई श्रीनाथ, आपके मेन्स सिंगल्स की कैटेगरी में भारत के नाम इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल किया है। अब चलते हैं बॉक्सिंग की तरफ। तो तीसरा स्पोर्ट्स गेम इस लिस्ट का, जहां पर भारत की सबसे स्टार खिलाड़ी बॉक्सर निखत जरीन ने वेमेन्स की 50 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड दिलाया। नीतू घंगास,
वेमेन्स 48 किलोग्राम कैटेगरी बॉक्सिंग में भारत के नाम गोल्ड मेडल किया। अमित फंगल जो कि सूबेदार हैं इंडियन आर्मी के, इन्होंने मेंस की 51 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत के नाम आपका स्वर्ण पदक किया है। इसके अलावा सागर अहलावत प्लस 92 किलोग्राम बॉक्सिंग की कैटेगरी में भारत के नाम सिल्वर, रोहित तोकास 67 किलोग्राम कैटेगरी मेंस ब्रॉन्ज, जैस्मीन वेमेन 60 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज, मोहम्मद हसीमुद्दीन मेंस 57 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आपका नाम किया है। बढ़ते हैं क्रिकेट की तरफ, तो पहली बार आपका क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है और क्रिकेट में जो हमारी टीम है क्रिकेट की महिला टीम, उसने क्रिकेट T20 में आपका भारत के नाम सिल्वर मेडल किया है। और इन खिलाड़ियों के नाम आप देख सकते हो, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, तानिया भाटिया, यस्तिका भाटिया, हरीन देओल और अन्य हमारी वेमेन्स क्रिकेट की प्लेयर्स। अगला हॉकी आते हैं, तो हॉकी में मेंस क्रिकेट की जो हमारी टीम है उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल आपका दिलाया है। तो हॉकी आप सभी जानते हो भारत से ही इसका उदय हुआ है और हॉकी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छा कर रही है, सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी गोल्ड मेडल से। हॉकी में ही अगर हम महिला हॉकी टीम को देखें तो इन्होंने भारत के नाम इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। जूडो, तो देखिए जूडो भी एक काफी अच्छा स्पोर्ट्स होता है, जहां पर हमारे सुशीला देवी लीकांबन ने, इन्होंने महिला की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल, तुलिका मान 78 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल, विजय कुमार यादव ने, इन्होंने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को आपका ब्रॉन्ज मेडल जूडो में दिलाया है। बढ़ते हैं पावर लिफ्टिंग में, तो देखिए भारत के पैरा जो आपके वेट लिफ्टर हैं सुधीर, पहली बार हिस्ट्री में ये हुआ है कि भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। स्क्वैश की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट गेम, महत्वपूर्ण गेम, जहां पर मेंस सिंगल्स की कैटेगरी में सौरभ घोषाल के द्वारा भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया। दीपिका पल्लिकल कार्थिक और सौरभ घोषाल ने मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया, तो काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका भी। टेबल टेनिस और पैरा टेबल टेनिस में देखते हैं तो आपके अचंता शरद कमल और आपके श्रीजा अकुला जो कि मिक्स डबल में खेल रहे थे, इन्होंने भारत के नाम आपका गोल्ड मेडल किया। इसके अलावा अचंता शरद कमल, साथियान, हरमीत देसाई और सुनील शेट्टी जो कि आपकी मेंस टीम थी, इन्होंने सिंगापुर की टीम को फाइनल में हराकर भारत के नाम स्वर्ण पदक किया है। अगला बढ़ते हैं इसी कैटेगरी में, भवीना पटेल जिनको आप इस फोटो में देख पा रहे हो, वेमेन सिंगल की कैटेगरी में इन्होंने फाइनल में 3-5 से अपने नाम गोल्ड मेडल हासिल किया। अचंता शरद कमल मेन सिंगल्स की कैटेगरी में इन्होंने भारत के नाम गोल्ड किया। अचंता शरद कमल और साथियान जो कि आपकी मेन्स पुरुष डबल की आपकी कैटेगरी थी उसमें इन्होंने भारत के नाम सिल्वर मेडल किया है। तो इसी के साथ भारत के आपके मेडल्स भी बढ़ते चले गए जिससे कि भारत जो है टॉप 5 के अंदर आपका रह पाया है। और साथियान गणेशकरण ने आपका मेन्स सिंगल्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल, सोनल पटेल ने वेमेन्स सिंगल्स क्लास में 3-5 से जीते हुए भारत को आपका ब्रॉन्ज मेडल नाम किया। वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में देखते हैं तो इंडियन आर्मी का काफी आपका दबदबा था और सबसे पहले देख लेते हैं मीराबाई चानू, तो भारत को भारत का पहला गोल्ड मेडल 30 जुलाई 2022 को वेमेन्स की 49 किलोग्राम कैटेगरी में हमारी स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के द्वारा भारत को गोल्ड मेडल दिलाया गया। दूसरा मेडल जेरेमी लारिंगुआ जो कि इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार हैं, अभी अभी नए भर्ती हुए हैं, 67 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल। और अचिंता शील जो कि इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं, इन्होंने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को आपका गोल्ड मेडल दिलाया है। इसी में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में देखते हैं संकेत सागर मेंस की 55 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल, बिंदिया रानी देवी वेमेन सिंगल्स 55 किलोग्राम कैटेगरी भारत को सिल्वर मेडल, विकास ठाकुर जो कि आपके जूनियर वारंट ऑफिसर हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स के, 96 किलोग्राम के कैटेगरी में भारत को स्वर्ण आपके रजत पदक से इन्होंने जीत दिलाई। वेट लिफ्टिंग में ही आपका गुरु राजा पूजरी मेंस की 61 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, हरिजिंदर कौर 61 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, लवप्रीत सिंह 109 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, गुरदीप सिंह 109 प्लस किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल। तो ये सभी हमारे खिलाड़ी हैं और स्टार खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को ये उपलब्धि दिलाई है। रेसलिंग की तरफ चलते हैं, तो रेसलिंग में
ये दो खिलाड़ी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस बार जो इंडियन आर्मी के जो आपके दीपक पुनिया है उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और भारत को इन तीनों स्टार ने आपका गोल्ड मेडल दिलाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया की। आप सभी जानते हो रेसलर हैं ये, पुरुष की 65 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को स्वर्ण पदक, साक्षी मलिक स्टार साक्षी मलिक रेसलर हैं, वेमेंस की 62 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल, दीपक पुनिया इंडियन आर्मी से आते हैं 86 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल। तो इस प्रकार से इंडियन आर्मी ने इस कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल 4 पदक भारत के नाम किए हैं। रवि कुमार दहिया पुरुष 57 किलोग्राम कैटेगरी गोल्ड मेडल, विनेश फोगाट द दंगल गर्ल ना, और 3 कंसेक्यूटिव ईयर जो कि आपके कॉमनवेल्थ गेम्स का रहा है उसमें भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, और इस बार 53 किलोग्राम कैटेगरी से इन्होंने लड़ा था। नवीन 74 किलोग्राम कैटेगरी भारत को इन्होंने आपका गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। बढ़ते हैं आगे तो रेसलिंग में ही आपके अंशु मलिक हैं, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल, दिव्या करण वेमेंस की 68 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, मोहित गेरवाल 125 किलोग्राम कैटेगरी भारत को आपका ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया है। आगे वेटलिफ्ट रेसलिंग से काफी खिलाड़ियों ने भारत को स्वर्ण पदक और रजत साथ ही साथ कांस्य पदक दिलाए हैं, जिसमें पूजा गहलोत भी शामिल हैं। इन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में आपका लड़ा था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल इनको प्राप्त हुआ। पूजा सिहाग 76 किलोग्राम कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल, दीपक नेहरा 96 किलोग्राम कैटेगरी भारत को इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल मेडल टैली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, 178 इन्होंने टोटल आपके मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें इनको 67 गोल्ड हासिल हुआ, 57 आपका सिल्वर, ब्रॉन्ज 54। वहीं अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो टोटल भारत को 61 आपके टोटल मेडल, जिसमें 22 गोल्ड, 16 आपका सिल्वर और आपका 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था, जिसमें भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा था। वैसे तो टोटल 72 आपके कंट्रीज ने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टॉप 20 की अगर मैं आपको बता दूं रैंकिंग, पहला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया, पांचवें पे न्यूजीलैंड, छठे पे स्कॉटलैंड, सातवें पे आपका नाइजीरिया, आठवें पे आपका वेल्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में ही आता है, फिर आपका नौवें पे साउथ अफ्रीका, मलेशिया, नदन आयरलैंड, जमैका, जमैका से आप सभी जानते हो उसैन बोल्ट आते हैं, केन्या, सिंगापुर, ट्रिनिडैड टोबैगो और फिर आपका 16 नंबर पर युगांडा था। इसके बाद अन्य जो आपके 4 देश हैं जो टॉप 20 में हैं, साइप्रस, पाकिस्तान भी हमारा प्यारा पड़ोसी 18वें नंबर पे रहा, 19वें पे आपका समोआ और आपका बारबाडोस, तो ये सभी आपके शामिल थे। तो भारत ने इस बार के बर्मिंघम 2022 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और भारत का प्रदर्शन पहले से भी काफी अच्छा है, और हम और भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो और भी मेहनत करेंगे और भारत के नाम ज्यादा से ज्यादा मेडल दिलाएंगे। अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऐसे स्टूडेंट जो अपने रिटर्न की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने NDA, CDS, MNS, टेरिटोरियल आर्मी, FCAT, CAPF जैसे अन्य तमाम कोर्स चालू किए हैं, जहां पर आप इनरोल होके और इस वॉरियर 10 कोड का यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ इनरोल होके अपने तैयारी घर बैठे भारत के सबसे ऑथेंटिक, सबसे जेन्युइन और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आप कर पाएंगे। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।